स्थितेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्याय दर्पण तलैव सकला प्रतिपलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस बीजम निषिद्ध जात्यंद सिंदूर विधानम सकल नै विलसितानां विरोध मथनम नमामि नेकांतम नमो रंताणम नमो सिद्धानम नमो आईरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सर्वसाहूणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री अजितनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसमय विश्व धर्म की, आराधना के साथ साथ जितने त्यागी व्रति बैठे हैं, जितने श्रावक बैठे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। तत्व ज्ञान भी आपको आवश्यक है, और जिसको नए का ज्ञान नहीं है वो अभी सम्यक से रहित है। ऐसा हमने नहीं कहा, आचार्य देवसेन स्वामी ने लघु नए चक्र में गाथा लिखी, जीर्णय दिट्टि विहीना तेसिम न होई वत्तु सहाव लब्धि वत्तु सहाव विहुणा सम्मा इट्टी कहम हुंदी। जे नए दिट्टि विहीना, जो जीव नए की दृष्टि से विहीन है, जिन्हें नए का ज्ञान नहीं है, तेसिम न होई वत्तु सहाव लब्धि। गुड्डू भैया, उन जीवों को वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक नए का ज्ञान नहीं होगा आप सत्य और असत्य के विभाग को नहीं समझ पाओगे। वस्तु स्वभाव विहूणा, और जो वस्तु स्वभाव का ज्ञान जिसको नहीं है, सम्मा इट्टि कहम होती, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। इसलिए वस्तु के स्वभाव को समझना है और नए के ज्ञान को भी समझना है। जो लोग सुबह आलाप पद्धति की कक्षा में बैठे थे, उनको इस बात का आज भान हो जाएगा कैलाश भैया, कि नए का ज्ञान कितना आवश्यक है। नए कोई भला नहीं है, न्याय को खत्म करने के लिए नए का प्रयोग किया जाता है। बुंदेलखंड में न्याय किसको कहते हैं है? ये विवाद खत्म करने के लिए नए है, और लोग नए पर ही विवाद कर रहे हैं। ऋषभ भैया, नए कोई कठिन वस्तु नहीं। आचार्य भगवान छोटा सा सूत्र देते हैं, वत्तु सहावो वा नया, शुद्ध अभी शुद्ध विकल्पो वा नया, श्रोतुर अभिप्रायो वा नया। जिसका जो अभिप्राय है वो नए है, स्वतंत्र। आपके बाजू में कौन बैठे, आपकी दृष्टि से कौन है, आप इनको क्या मानते हो? हाँ, आप उनको भ्राता सम मानते हो, भाई जैसा मानते हो, लेकिन उनके पुत्र से पूछो तो वो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? पिताजी हैं। उनकी उनके पुत्र की मां से पूछोगे तो वो क्या बोलेंगी? उनके पुत्र के पुत्र से पूछोगे तो? एक ही जीव है, जो जैसा देखना चाहता है प्रमुख भैया, आप उसको वैसे देखोगे।
ये श्रोता का अभिप्राय है, वक्ता का अभिप्राय है। हम आपको नारकी भी देखते हैं, हम आपको सिद्ध भी देखते हैं। भूत प्रज्ञापन नए की अपेक्षा से सब कभी नरक गए कि नहीं, तो नारकी हुए कि नहीं भाई जी राजेश भैया? लेकिन भावी नैगम नए से भी देखो, सिद्धों की आराधना करने बैठे हैं कक्का, सब भावी सिद्ध हैं। नए की दृष्टि बड़ी विशाल है। और कल मंगलाचरण में आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर बात कही थी, समम समस्ते अनंत पर्याय। भैया जी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, आचार्य भट्टकलंग स्वामी ने, आचार्य विद्यानंद स्वामी ने श्लोक वार्तिक में, पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में, और अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक में, और 16वीं सदी में हुए श्रुत सागर सूरी ने तात्पर्य वृत्ति ग्रंथ में जब पहले अध्याय के 29वें सूत्र की व्याख्या की, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, तो उन्होंने स्पष्ट कहा, यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से इतरेतर द्वंद समास है। ये इतरेतर द्वंद समास ये कहता है कि विशेषण को संख्या को आप दोनों पदों में लगाओ। और पूज्यपाद स्वामी ने वार्तिक लिखा, सर्व ग्रहणम प्रत्येकम अभी संबंधते, कि सर्व शब्द आप द्रव्य में भी लगाना और पर्याय में भी लगाना, यथा सर्वेषु द्रव्येषु च सर्वेषु पर्यायेषु च केवलस्य विषय निबंधनो भवति। इसलिए द्रव्य के आगे भी सर्व पद जोड़ना पड़ेगा और पर्याय के आगे भी सर्व पद जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, पज्जे विदुद्धम दब्बम दब्ब विदुद्धम पज्जया नत्ति डोन्नम अदन अनन्य भूदा भावा सम्णा परुविन्ति पंचास्तिकाय। पर्याय से रहित द्रव्य नहीं होता और द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती। दोनम अनन्य भूदा, दोनों अन्योन्य भूत हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, ऐसा महाश्रमण महावीर स्वामी ने कहा। जितनी द्रव्य होंगी उतनी पर्याय भी होंगी। अगर द्रव्य सर्व है तो पर्याय अनंत नहीं होंगी, पर्याय भी सर्व ही होंगी, ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने अपने सर्वार सिद्धि ग्रंथ में लिखा कि पर्याय सर्व ग्रहण करना। इसलिए केवल ज्ञान जो है उसके महात्म्य को बढ़ाने के लिए सर्व पद जोड़ा गया कि उससे बड़ा कोई और ज्ञान नहीं। इसलिए तज्जयति परम ज्योति, उस परम ज्योति को मेरा नमस्कार हो जो संपूर्ण द्रव्यों की संपूर्ण पर्यायों को विषय करती है। भैया जी है क्या कोई बात नहीं, जितने जीव बैठे हैं जिनको केवल के केवली भगवान के ज्ञान पर प्रश्न हो वो अपनी बुद्धि की विकलता को सुधारे। और कुंद कुंद स्वामी स्वतंत्र भाई एक बात कह रहे हैं, यहाँ त्यागी व्रती बैठे ना सभी, प्रवचन जो जो करने जाते हैं उनसे मेरा निवेदन है, जितने भी प्रवचन करने जाते हैं रैण सार ग्रंथ को एक बार पढ़ लिया जाए। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, कक्का ध्यान से सुनना, मधिसुद नान बलेण दु सच्छंदम बोल लई जो जिनुदिट्टम सोचेव हवदि मिच्छा दिट्टी जीवो तदु बहुदी। मति श्रुत ज्ञान को प्राप्त करके जो जिनेंद्र भगवान के कहे हुए तत्वों को स्वच्छंद रूप से बोलता है वह जीव उसी क्षण से मिथ्या दृष्टि है। हमने नहीं कहा स्वतंत्र, ये वाचना आप सब सुन चुके हो, नम्यून वड्डमानम याद है। इसलिए कभी भी प्रवचन करने बैठे तो जितना आता हो उतना ही बोले, नहीं आता आप समय लेकर के पुनः अध्ययन करके बोले। क्रांत कुमार जी, हम भी छद्मस्त हैं,
कोई केवली नहीं है, हमसे भी भूल हो सकती है बोलने में, हमसे भी स्खलन हो सकता है। सुन रहे स्वतंत्र? लेकिन जितना आता हो उतना ही बोलेंगे। जिसको जिस किसी भी व्यक्ति को कक्का हमसे कोई भी प्रश्न करना हो आप कर सकते हो, हमको उत्तर मालूम होगा तो हम बता देंगे, नहीं होगा कैलाश भैया एक दिन का टाइम मांग करके पुनः जिन वाणी का आलोडन विलोडन करके पुनः देख के बताएंगे। मिथ्या वचन बोल करके हम मिथ्या दृष्टि नहीं होना चाहते। प्रतिक्रमण सूत्र में एक बात लिखी है, मिच्छा मेलिदम्बा अप्रमिच्छा, मिच्छा मेलिदम्बा कि हे भगवान अगर मिथ्या के वचन हमने जिन वाणी में मिला के बोल दियो तस मिच्छा में दुखड़। डॉक्टर साहब कहां रह गए थे? कोई बात नहीं, आप भी पराधीन हो। सियार अनेकांत को नमस्कार। चल रहे डॉक्टर साहब, थोड़ी सा आप लेट हो गए, केवल ज्ञान का विषय स्पष्ट हुआ था। सर्व द्रव्य पर्याय यीशु केवल में सर्व पद पर्याय और द्रव्य दोनों के साथ जोड़ना पड़ेगा, ऐसा पूज्यपाद स्वामी की आज्ञा है। अब ठीक है, अब विषय को अपन आगे लेते हैं। भगवान अमृतचंद स्वामी अगली गाथा में बहुत सुंदर व्याख्यान कर रहे हैं। तीन लोक का जो नेत्र है मैं तो उसी को कहूंगा। प्रतिज्ञा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? अब प्रतिज्ञा लेने के बाद तोड़ते नहीं है। देखो कक्का ने प्रतिज्ञा ली थी 52 साल पहले, निभा रहे कि नहीं? अरे वो तो ठीक है, जिसके साथ ली थी वो निभा रहे कि नहीं? प्रमोद भाई प्रतिज्ञा लो फिर तोड़ना नहीं, चाहे श्रावक हो या श्रवण। राजेश भाई प्रतिज्ञा कभी भंग नहीं करना। इसी दृष्टि से आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी एक प्रतिज्ञा ग्रहण कर रहे हैं। क्या है वह प्रतिज्ञा? लोकत्रयैक नेत्रम निरूपि परमागमं प्रयत्नेन अस्माभिरूपोपदीयते विदुषं पुरुषार्थसिद्ध्युपायोऽयम्। जिनको भी ग्रंथ का अध्ययन करना हो, गुड्डू भैया की तरफ से ग्रंथ रखे हैं, जिनको भी अध्ययन करना हो, स्वाध्याय करना हो, विवेक पूर्वक विनय पूर्वक ले जाकर के अध्ययन करना। जिन वाणी है पेपर नहीं है, क्या है ये? अपने बच्चे के जैसे गोदी में मत रखना, उठा करके नाभि के ऊपर ही रखना। और गुड्डू भैया जिनको भी लगे, चाहे पूरे सागर के एक एक घर के लोग मांगे, आप जिनवाणी बांटने में कमी नहीं करना। यही जिनवाणी का प्रकाशन आपके केवल ज्ञान को प्रकाशित करेगा। लोकत्र यही के नेत्रम, तीन लोक के संबंधी पदार्थों को प्रकाशित करने में जो अद्वितीय नेत्र है कौन? परमागमम। ऋषियों के द्वारा कथित जो वाणी है वो क्या है? परमागम। परमागम यानी उत्कृष्ट जैन आगम। मैं तीन लोक के नेत्र स्वरूप जैन आगम को प्रयत्नेन, विचित्र प्रकार के जीव है कक्का, अब उनको विचित्र प्रकार के उपायों से समझाया जाता है। बच्चे ने पूछा कि माँ शेर कैसा होता है? अब आपके पास शेर का चित्र नहीं है, शेर भी नहीं है, तो क्या बोलोगे? ओ क्रांत कुमार जी क्या बोलोगे? बेटा ये बिल्ली घूम रही ना, शेर ऐसा ही दिखता है। ये उपायों के द्वारा आपने उसको बोध कराया कि नहीं? अब कोई जब कोई बड़ा पूछेगा तो क्या बोलोगे प्रमोद भाई?
जैसे अब तुम चलो तुमको दिखा देते हैं, जो जीव जैसा होगा डॉक्टर साहब उसको वैसे उपायों से जिन वाणी का रसपान कराया जाएगा। आप सब प्रौढ़ लोग हो, आपको ये बोलेंगे कि आलू में अनंत जीव है वैभव, छोड़ दो। विशाल सुन रहे ना, आपको यही बोलेंगे कि आलू में अनंत अनंत जीव है, उन जीवों की हिंसा मत करो। समस्या है तो उसका डॉक्टर साहब समाधान भी है, लेकिन नाना प्रकार के उपायों से नाना प्रकार के समाधान किए जाते हैं। जब बच्चे को समझाएंगे वही बात तो उसको ये नहीं बोलेंगे उसमें जीव होते हैं, उसको ये बताएंगे कि बेटा तेरे हाथ में जो आलू बंडा है इसमें अगर कॉकरोच आ जाएगा तो तू क्या खाएगा। ऐसे ही जब वो मना करेगा ना स्वतंत्र, तब उसको समझाना कि बेटा इस आलू के पिंड में ऐसे कॉकरोच जैसे जीव हैं। ऐसे ही भगवान अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, प्रयत्न ही ना मैं नाना प्रकार के उपायों के द्वारा क्या करूंगा, नाना प्रकारों के उपायों को जानूंगा और उनको उपायों को जानकर परंपरा जैन सिद्धांत के निरूपक पूर्वक विद्वानों के लिए विदुषम, किसके लिए, अज्ञानियों के लिए नहीं, अश्रद्धालु के लिए नहीं, जिसके अंदर जिन वाणी के प्रति श्रद्धा है उस जीव के लिए पुरुषार्थ सिद्धि उपायोयम, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ मैं कहूंगा। इस पूरी गाथा में एक बहुत सुंदर पद है पंडित जी, डॉक्टर साहब, परमागमम। परमागम यानी स्यादवाद ज्ञान। आप अपने आप को हीन भावना से मत जोड़ना, जितने श्रावक बैठे ना ये अपने आप को हीन मत मानना कि हमको केवल ज्ञान नहीं है, कक्का हीन नहीं मानना। आचार्य भगवान आपको आदेश दे रहे हैं, स्यादवाद केवल ज्ञान, सर्व तत्व प्रकाश ने भेद साक्षात असाक्षात ये अवस्थम तमम भवेत। आप तो मीमांसा में आचार्य भगवान ने सुंदर कारिका लिखी, स्यादवाद और केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही ज्ञान सर्व तत्व को प्रकाशित करने वाले हैं। द्वादशांग भगवान के मुख से निकलता की नहीं वाणी, भगवान केवल ज्ञान से जान के बोलते हैं, लेकिन जब अपने पास पहुंचता है स्वतंत्र तो वो शुद्ध ज्ञान होता है। ध्यान से सुनना, क्रांत कुमार जी विकास कहां है, वो विकास भगवान तो समूह शरण में ऐसे ही बैठे रहते हैं और केवल ही की पर्याय में केवल ज्ञान के द्वारा जानकर सारा व्याख्यान करते हैं, लेकिन वो व्याख्यान आपके पास जब पहुंचता है वह श्रुत ज्ञान बनकर पहुंचता है, ठीक है। और वो श्रुत ज्ञान सारे द्वादशांग को प्रकाशित करता है और वो केवल ज्ञान भी द्वादशांग को प्रकाशित करता है, इसलिए स्याद दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अंतर देखना चाहे तो अंतर है कि नहीं, समन्त भद्र स्वामी कह रहे हैं अंतर है। क्या अंतर है, भेद असाक्षात साक्षात, एक साक्षात देखकर बता रहा है और एक अप्रत्यक्ष रूप में असाक्षात रूप देखकर बता रहा है। डॉक्टर साहब आप ऊपर आदिनाथ भगवान की वेदी देखा है, अभी नई बन गई देखा है, आपने कर्नाटक में दर्शन किए भगवान के, मूड़पत्री गए थे,
कारकल गए थे, एक मर्क्यूरी करके मंदिर वहां गए थे, अब फंस गए। हम दर्शन करके आए हैं, अद्भुत मूर्ति थी भगवान आदिनाथ की, ऐसा लग रहा था कि कोई बालकवत निर्विकार बैठा हो। ये जो हमने आपसे कहा कि बालकवत निर्विकार भगवान की प्रतिमा थी, ये आपने साक्षात जाना कि असाक्षात। एक जीव प्रत्यक्ष देखकर आया कि नहीं, मैं प्रत्यक्ष देख करके बता रहा हूं आपको, परोक्ष में ज्ञान हो रहा है। डॉक्टर साहब विदेश गए कि नहीं, वहां जिन मंदिर के दर्शन किए कि नहीं, अब हमने तो साक्षात नहीं किए, आपने किए कि नहीं, और वो साक्षात मंदिर का आप हमको विवरण कर सकते कि नहीं। एक प्रत्यक्ष ज्ञानी हुआ, एक परोक्ष ज्ञानी हुआ, तो परोक्ष ज्ञानी का ज्ञान प्रमाणित है कि नहीं। जितने लोग बैठे हैं, जितने त्यागी वृत्ति बैठे हैं, बताओ आप परोक्ष ज्ञान प्रमाण है कि नहीं। महेश भैया, परोक्ष ज्ञान प्रमाणित है कि नहीं? हाँ, नहीं है, नहीं। परोक्ष ज्ञान प्रमाणित भी है और प्रत्यक्ष ज्ञान भी प्रमाणित है। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चायत्राणि मोक्ष मार्गा। इसके बाद जब ज्ञान की चर्चा आती है, मत्ति श्रोतावधि मना पर्य केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे। मत्ति श्रुत अवधि, इसमें से मत्ति श्रुत परोक्ष ज्ञान है और अवधि मन पर्य और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। अवधि मन पर्य एक देश प्रत्यक्ष है, केवल्य सकल प्रत्यक्ष है, लेकिन प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही ज्ञान प्रमाणित है। इसलिए स्यादवाद ज्ञान भी प्रमाणित है। स्यादवाद कोई संशयवाद नहीं, स्वादवाद नहीं, स्यादवाद तो संशय का हरण करने वाला है, इसलिए स्यादवाद प्रमाणित ज्ञान है। और उस प्रमाणित ज्ञान को ही परमागम कहते हैं, उसको मेरा नमस्कार हो, मैं उसी का व्याख्यान करूंगा। ये आचार्य अमृत चंद स्वामी की प्रतिज्ञा है। नितिन भाई, स्वाध्याय तो करना, स्वाध्याय के साथ साथ अपने श्रद्धा गुण को भी बना के रखना। प्रणध्वज आए क्या आपने, अशोक जी सुनो भाई, स्वाध्याय के साथ साथ स्वाध्याय तभी करना जब आपके अंदर सम्यक्त्व गुण हो, नहीं तो कितना ही आप ग्रंथों का अध्ययन कर लो, अगर श्रद्धा नहीं है डॉक्टर साहब, रोगी ठीक नहीं हो सकता। आपने हमको तेल दिया, महाराज जी लगा लो ठीक हो जाएगा, अगर श्रद्धा है तो ही वो तेल काम करेगा, और नहीं है तो वो तेल पानी जैसा ही है हमारे लिए। कितने डॉक्टर हैं स्वतंत्र उपचार करते हैं, पहले पूछ लेते हैं भाई दवाई खाओगे कि नहीं, परहेज करोगे कि नहीं। अब हम भी पूछना चाहते हैं, कितने लोग जिनवाणी सुनना चाहते हैं, आप परहेज करोगे कि नहीं? संसार शरीर का रोग मिटाना है ना, वो परहेज करोगे कि नहीं? मिथ्यात्व का परहेज करोगे कि नहीं? और जिनवाणी की औषधि सुनोगे कि नहीं, खाओगे कि नहीं? अब डॉक्टर साहब, औषधि अकेले से नहीं होता, परहेज भी करना पड़ेगा। इसीलिए आचार्यों ने दो बातें कही हैं, विधि भी और निषेध भी। साथ साथ कक्का एक बहुत सुंदर बात कही थी, भैया जी चले गए उनको बताना, जिन आगम में जब मतार्थ की दृष्टि से व्याख्यान कर दें और आचार्यों मुनियों के लिए आज्ञा है कि प्रवचन करें तो मतार्थ दृष्टि के साथ में करें, सौ मत का मंडन तो करना लेकिन पर मत का खंडन भी करना। अगर आपने परमत का खंडन नहीं किया और सौमत का मंडन करते रहे, आपकी विजय नहीं होगी। ये न्याय का नियम है शिखर भैया,
जब तक सामने वाला हार ना माने तब तक वाद विवाद समाप्त नहीं होता। इसलिए वादी मुनिराज होते हैं समुश्रण में, वो अपने मत का मंडन करते हैं, साथ में पर मत का खंडन भी करते हैं। आप समंतभद्र स्वामी के एक एक श्लोक को उठा के देख लो, रत्न कंठाचार्य काले कल्प सते पिचा, सिद्धों की आराधना कर रहे ना, अब एक विषय सुन लो, काले कल्प सते पिचा गते शिवानाम च विक्रिया लक्षा उत्पातोपि यदि सात त्रिलोक संभ्रांति कर्ण पटु। इस गाथा में कुंद समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, काले कल्प सते पिचा, अनेकों कल्प काल बीत जाएं, गते शिवानाम च विक्रिया लक्षा, जो सिद्ध शिला पहुंच चुके हैं उनमें विक्रिया नहीं होती, ना वो नीचे आते हैं ना उसके ऊपर जाते हैं, उनमें कोई भी विक्रिया यानी हलन चलन नहीं होता। उत्पातोपि यदि स्यात्, अगर तीन लोक में उत्पात होने लगे तो भी त्रिलोक संभ्रांति कर्णपटु, तीन लोक में उत्पात होने वाला उपद्रव हो तो भी सिद्ध भगवान नीचे नहीं आएंगे, ऐसे सिद्धों की आप आराधना कर रहे हो। ये डॉक्टर साहब मंडन की खंडन, एक दृष्टि से मंडन। अब देखो जब तीन लोक के जीव त्राहिमान त्राहिमान करते हैं तब भगवान का अवतार होता है, ऐसे अवतारवादियों का खंडन। इसलिए भगवान समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, आप मंडन करो लेकिन उस मंडन में खंडन नियत होना चाहिए, और ऐसा पर मत का खंडन मत करना कि आपके ही मत का खंडन हो जाए। हाँ डॉक्टर साहब, आपको माना कि आपको इस बात का विरोध करना है कि महाराज जी पेंसिल मत रखो, तो ऐसा विरोध करना कि पेंसिल में आप ऐसा तर्क कुतर्क लगाना कि पेंसिल ना रखो, कहीं आपने जगह छोड़ दी तो फिर हम पेंसिल और आपके कपड़े में अंतर नहीं रखेंगे, हमारी पेंसिल छूटेगी तो आपके कपड़े छुड़वा देंगे। पर मत का खंडन उस बुद्धि से करना कहीं आपके ही मत का खंडन ना हो। ये किसान लोग लकड़ी काटते ना, माना कि एक लकड़ी का इतना टुकड़ा है, कक्का उसके दो टुकड़े करना है, तो लकड़ी को पैर के ऊपर रख के काटते ना, हाँ नहीं काटते। अच्छा तो अपने बेटे के भाई के सिर के ऊपर रख के काटते ना, नहीं करते ऐसा। अरे आप सबको माना कि लौकी की साग बनाना है तो क्या करते हो, बेटे को लिटाते हो उसके पेट में लौकी रखकर फिर बनाते ना, क्यों? अरे लौकी तो बन जाएगी बेटा बिगड़ जाएगा। डॉक्टर साहब पैर पे रख के लकड़ी नहीं काटी जाती, दूर रखते हैं और दो फीट दूर से कुल्हाड़ी चलाते हैं, अपना घात ना हो। ऐसे जितने भी जीव प्रवचनकार हैं, चिंतन करने वाले त्यागी व्रति हैं, जिन शासन की प्ररूपना तो करना लेकिन उसमें पर मत का जब खंडन हो तब डॉक्टर साहब सौ मत का खंडन ना हो इसका ध्यान रखना, नहीं तो समय सार सांख्य मत एकांत के खंडन में लिखा गया और आज समय सार को भी आप एकांत में ले जाकर के रख दोगे तो अब आप बताओ उसी कुल्हाड़ी से आप लकड़ी काटने जा रहे थे उसी कुल्हाड़ी ने आपकी गर्दन निकाल ली, ऐसा काम कभी नहीं करना। इसलिए भगवान अमृत चंद स्वामी कह रहे हैं प्रयत्न है ना, मैं प्रयत्न पूर्वक कहूंगा। इस प्रयत्न शब्द का क्या तात्पर्य है दाऊ? प्रयत्न शब्द कह रहा है मैं मतार्थ भी बोलूंगा, मैं नयार्थ भी बोलूंगा, मैं नए की दृष्टि से भी व्याख्यान करूंगा, मैं मत की दृष्टि से भी व्याख्यान करूंगा, मैं शब्द को भी कहूंगा, उसके अर्थ को भी कहूंगा, उसके भाव को भी कहूंगा। ये भगवान अमृत चंद स्वामी की व्याख्या है। नाम किसी का लेंगे नहीं लेकिन स्वतंत्र किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। क्यों?
क्यों छोड़ें? सभी तो जीव आत्मा है, स्वजाति की अपेक्षा से सभी जीव हैं। हम इन जीवों को कैसे छोड़ सकते हैं? कैलाश भैया, नई की दृष्टि बड़ी विशाल है, और जिसके पास जैन आगम को पढ़ते समय नए की दृष्टि नहीं है, माँ सारा अध्ययन व्यर्थ है। ये ऊपर जो समोसरण में प्रतिमा जी रखी है, ये क्या है? मनोज भाई बोलो, ये क्या है? हाँ, अरियंत भगवान की प्रतिमा है। ये किस दृष्टि से? आपकी सम्यक दृष्टि है, श्रद्धा की दृष्टि से ये परमात्मा। अब दृष्टि बदलो, जिसके यहां से खरीद कर लाए हो उसके लिए क्या है? बोलो प्रमोद भाई, तुमने तो खूब बनवाई है, खरीदी है, उसके लिए क्या है? उसके लिए तो माल है। अगर कोई बुद्धि विहीन जीव, क्रांत कुमार जी, इसको चोरी करना चाहेगा तो उसके लिए क्या है? चोरी करने योग्य द्रव्य है। माना कि स्वर्ण की प्रतिमा होती, वो क्या सोचता? इससे तो हमारी सात पुस्तें पल जाएंगी। और प्रमोद भाई, आप भगवान की प्रतिमा देख के क्या सोच रहे हो? ओहो, इससे हमारे सारे कर्म कट जाएंगे। ये एक ही वस्तु है, देखने की आपकी दृष्टि बदली की नहीं। मां, आप सबको बहुत अनुभव है, आटा किस किस ने गूंथा है? आटा गूंथते आता है किसी को? कहां, हाथ तो उठे ही रहे। आटा गूंथते बनता है, अब उस आटे में क्या क्या है? रोटी है कि नहीं? नहीं रोटी, उसमें पराठे है कि नहीं? लोचई है कि नहीं? पपड़िया है कि नहीं? खाजे है कि नहीं? जैसे आप देखना चाहो, उस माँ एक कोपर में रखे आटे में आपको 20 रोटी दिखती है, 2 पूड़ी दिखती है, इतनी पपड़ी दिखती दिखती कि नहीं? नहीं दिखती। और उतनी आटा आप निकालते हो, ये दृष्टि कैसे आई? यही दृष्टि तत्व ज्ञान में तो लगाना है। करना क्या है? डॉक्टर साहब बेचारे सागर के नहीं, बुंदेलखंड के जी, बेचारे कुएं के मेंढक बने बैठे। वो बेचारे रोटी बनाते भी चाहो मां तो स्वाध्याय कर सकते हो, रोटी खाते खाते भी आप स्वाध्याय कर सकते हो, लेकिन दृष्टि तो बदलो। आपका समय बहुत हो गया, विधान करना है ना। विधान के पश्चात अपन विस्तृत रूप से व्याख्यान को आगे लेंगे। आप सभी तीन लोक के नेत्र स्वरूप परमागम को, स्याद्वाद ज्ञान को ही अपने ज्ञान का विषय बनाएं। डॉक्टर साहब, जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक स्याद्वाद ज्ञान ही सहारा है। पूछ लो कक्का से, जब कार नहीं मिली, कक्का जब कार नहीं मिली तो ऑटो आपका सहारा था कि नहीं? बोलो डॉक्टर साहब, जब नहीं मिली तो ऑटो में बैठोगे कि नहीं? मनोज गया छोड़ करके, अब कैसे आओगे? फोन लाओगे, प्रमोद भाई तुम ही ले जाओ। ऐसे ही केवल ज्ञानी नहीं है तो साधवाद ज्ञानियों के पास आए, महाराज हमें सिद्ध सला सक ले चलो। ये साधवाद ज्ञान हमारे लिए वंदनीय है। पुनः आगे इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आप सभी आगम के किसी विषय पर विकल मत करना, पूर्वाचार्यों की प्रज्ञा हमसे श्रेष्ठ है। उनके विषय को हाथ जोड़कर श्रद्धा से नमस्कार करना, सिर झुकाकर उसमें प्रश्न कभी मत उठाना, ये नियम रखना। डॉक्टर साहब, हमको समझ में नहीं आ रहा, इसका ये मतलब नहीं कि जिनवाणी में गलत लिखा है। आप अपनी प्रज्ञा को दोष दो, आचार्य भगवान को दोष मत दो। आप सभी द्रव्य गुण पर्याय के विषय को समझें, और जिनको विशेष रूप से सुनना हो, सुबह आलाप पद्धति की क्लास लगती है। द्रव्य गुण पर्याय का इतना सुंदर व्याख्यान और किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।